कमलेश नाम है जरिया ने से जिन जिला हां जी हम किस लिए जिन मारे करनाल में मारे आदमी आवाज लाठी चार्ज करया है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे जी। हमारा सारा सारा हरियाणा ने बेच सारी बेच के खाएगा, सारी भारत ने बेच के खाएगा, रेल इतनी बेच दी, करोड़ इतनी बेच दी, सब कुछ बेच दी आई थी। हम बख्शा नहीं गई थी, हमने वोट देकर दिल्ली भेजा था, वोट देकर दिल्ली भेजा था, आज हमारा खून चूस लिया, आज किसानों का खून चूस लिया। सो लड़ाई तो जी सारे छेड़ के चुगर दे, कदे करिया कदे करिया, रोज रोज की के लड़ाई, हम तो मरने मरने जी तैयार हैं, चाहे हमारे मान पूरी करो और नहीं, मरने जमा तैयार। हमने नौ भी नौ के समाई करते, समाई किस बात की, जवान भी मारे और पोत भी मारी, इस मलन का के बिगड़ेगा, इस बात की समाई मारी, इसका तो कोई समाई नहीं है। अब नियम मरण मारने तो चाहे तुम्हारे तीनों कानून उल्टे ले लेगा, और नियम बसार करके लड़ाई लड़ना है, जब मैं गड़ी था पहला चितामणी देवा तुम्हारी तैयार से चाहे बुआ जाए रोड पे ये लोग तुम्हारे तैयार से हाँ बार बार चार्ज करी, माँ इतनी बख्शी नहीं, बेटी बख्शी नहीं, माँ ने कहा बेटी बचाओ नारी बचाओ, अरे नारी तो रोड पर पड़ी कड़ा बचाई ना देड़ना, तो 200 पर पर का वोट गिर के जन मारा अच्छा करेगा अच्छा करेगा, मसा माम ने मारे बालक पढ़ाए, आज मारे बाखा के रोजे करते, आज भी भर्ती कान से लोगी, आज भी भर्ती कान से लोगी, अरे हम मार के गिर देती गुंडा ने, ये मरनर मारने भाई तैयार हाँ, रोज रोज की के ठुक ठुक सा एक को चोट समर पर तो आज तकड़ा होगा ना मार जगह, और मारे होगे तो मर जाएंगे, तकड़े होगे तो मार जाएंगे, इस डेढ़ का कुछ भी कौन सारा सौदा मारा है। तो कब तक जाम रखेंगे सड़क? मारे इतने तीनों कानून वापस नहीं होंगे, इतना रात मान तो इतना भाई जल्दी। अन्नी और बोली सरकार किसानों की जायज मांगे जो मांगनी है उनको छोड़ के किसानों पे लाठियां और गोलियां चला रही है, ऐसी अंधी बोली सरकार का हम जोरदार विरोध करते हैं। आदेश हुआ है आज जो करनाल में लाठियां चलाई गई है, सिर पाड़े गए हैं, लतें तोड़ी गई हैं, हड्डियां तोड़ी गई नौजवानों की, उसके रोष में आज टोटल हरियाणा में हर रोड हर जगह पे जाम है और जाम रहेगा जब तक ये सरकार उसकी गलती माफी नहीं मांगेगी। और जो अब तक आज तक के जो सरकार ने हमारे पे नजायज केस बनाए हैं, आज का दिन साबित करता है किसान शांतमयी 9 महीने से बैठा है फिर भी नजायज केस देश रोज ऐसे केस 37,000 से ऊपर केस हरियाणा में बना दिए, अब लाठी पे उतरी सरकार, अगर किसान ने लाठी गोली चख ली फिर सरकार का क्या होगा जो सरकार चाहती है, पर किसान नहीं चाहता, वो चाहता है पीसफुल रहूं, पीसफुल लड़ाई लड़ेंगे, ये सरकार कितना भड़का ले, बार बार अपील किसानों से यही कही जाती है हमने पीसफुल लड़ाई करनी है, तीनों काले कानून रद्द होने तक वापस लेने तक सरकार के ये नहीं उठेंगे, यही बैठेंगे, सरकार कोई बहाना बना ले, फसल खरीद गारंटी कानून जब तक सरकार नहीं बनाती एक भी किसान यहाँ से नहीं जाएगा, और इनकी गोलियों लाठियों का जवाब देने के लिए लाखों किसान यहाँ दिन बॉर्डरों पे आएंगे, ये सरकार याद रखे। किसान लोग परेशान हैं, उसमें किसानों के बच्चे जो यहाँ से होकर गुजर रहे हैं, अगर जो किसान का बच्चा है किसी गाड़ी में किसी ट्रक में किसी बस में बैठा उसके सीने में किसान का दर्द है तो इन रोड पे आके बैठे, बुजुर्ग और बीमारों के लिए रास्ते खुले हैं कभी नहीं रोका, एम्बुलेंस के लिए रास्ता हम बिल्कुल हमारी लाश पे रुके हम लाश कपने देंगे, हमें चाहे रोके नहीं रुकने देंगे, एम्बुलेंस जाएगी मरीज को नहीं रोकेंगे, कोई रास्ता मरीज के लिए जाम जारी रहेगा जब तक ये सरकार अपनी गलती नहीं मान लेती तब तक जाम जारी रहेगा, ये हमें आदेश है और आदेश भी हरियाणा लेवल पे है हमारे अकेले के नहीं।